प्रदेश के बलिया जिले में थाना सुखपुरा भरतपुरा गांव में ज्योति सोनी मुख्य शिक्षिका ने 95 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा संस्कार देते हुए ज्योति ने कहा कि समाज के हित कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस मौके पर संगठनों ने बच्चों को जूता, कैजुअल, किताब आदि वितरण किए। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। हम ज्योति सोनी है, पापा का नाम राजेंद्र सोनी है, मैं भरतपुरा गांव की निवासी हूं और मैं संस्कार केंद्र चलाती हूं, पंडित दीनदयाल संस्कार केंद्र। ये बताइए, आज आपके यहाँ गणमान्य लोग आए हुए हैं, काफी संख्या में बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, गणमान्य गांव के लोग भी आए हुए हैं, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? बच्चों को सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होता है, पर थोड़ा से संस्कार देने के लिए बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाता है और अच्छा से वो मतलब पूरे दिन में जैसे बिखरे रहते हैं, जो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहा उहा करके और सज के आते हैं, मतलब साफ सुथरा से, तो कुछ अच्छा संस्कार भी सीखते हैं और सिखाते हैं कि मम्मी पापा का पैर छू के आना, तो इसके बदले में थोड़ा उन लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाता है और अच्छा संस्कार मिलता है, बस यही उद्देश्य है। कितने बच्चे आपके अंडर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अभी तो 92-93 बच्चे आ रहे हैं और आज कुछ बच्चे आए थे तो उनका भी एडमिशन करना है। एज ए शिक्षक के रूप में जब आपसे बच्चे जुड़ते हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसी अनुभूति होती है और दोनों लोगों के बीच में रिश्ता कैसा महसूस होता है आपको? हमको इतना खुशी होता है कि मतलब इस तरह से तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, पर हमारे यहाँ एक ही घंटा पढ़ने के लिए आते हैं, 1.5 घंटा, लेकिन सारे बच्चे आते हैं और बच्चे बोलते हैं कि एडमिशन कर लो, हमको बहुत ज़्यादा खुशी होता है। इसमें प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आपको ऐसी जिम्मेदारी कैसे मिली कि आपको ये करना चाहिए, दायित्व बनता है, इसमें सहयोग किसका आपको रहता है? कुंवर सिंह कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पे हमको रामकृष्ण उपाध्याय सर ने बोला कि बेटा तुम ये संस्कार केंद्र चलाओ अपने घर पे, और हमारे यहाँ जगह भी था तो हम देखिए, हमारा जो संगठन है ये राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा संचालित सेवा